मैं दिल्ली में लोगों को मिलता हूँ, खास करके मेरे भाई और बहने को जो दिल्ली में प्रचार दौरे मुझे मिलते हैं। उन्होंने मुझे एक ही सवाल पूछा कि 9 दिन से ये जो स्वाति मलिवाल केस में दिल्ली का सीएम अरविंद केजरीवाल कुछ भी क्यों नहीं बात कर रहे हैं, वो चुप क्यों बैठा है, उस किस कारण चुप बैठे हैं। उन्होंने कुछ तो इस बात पे क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। मुझे लगता है कि इस तरह से जो स्वाति मलिवाल की केस में केजरीवाल जी की चुप बैठना वो खुद सब कुछ बता देता है। अभी आम आदमी पार्टी, ये आम आदमी पार्टी बची नहीं है, दिस इज एन एंटी दिल्ली एंटी वुमेन पार्टी हो गई है। इट इज एंटी दिल्ली एंटी वुमेन पार्टी बन गई है। जो उन्हीं की एक सांसद 20 साल से केजरीवाल की सहयोगी और मुख्यमंत्री के 120 करोड़ के शीश महल पर उनके उत्पीड़न होता है, उनके ऊपर एक अत्याचार होता है, और खुद उस घर के मुखिया यानी वो तो गवर्नमेंट हाउस गवर्नमेंट बंगलोज है, और उसमें जो उत्पीड़न होना और उसके ऊपर जो सीएम कुछ न बोलना, वो कुछ भी बात न करना, ये तो बहुत ही बेशर्मी जैसी बात है। मुझे लगता है कि उन्हीं के जो संजय सिंह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां पे जो सीएम हाउस में उत्पीड़न हुआ है उसके ऊपर यानी स्वाति मलिवाल के ऊपर वो एडमिट भी कर लेते हैं, और इसी के ऊपर 3 दिन के बाद केजरीवाल इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, ये उनकी खुद की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और 3 दिन के बाद जब फिर विभव कुमार जो केजरीवाल के पहले पीए रह चुके थे उनको खुद केजरीवाल अपने गाड़ी में लेके सीएम हाउस से लखनऊ लेके जाते हैं, ये क्या दर्शाता है। मुझे लगता है कि केजरीवाल खुद होके इस कॉम्प्रोमाइज करने के लिए स्वाति मलिवाल पर प्रेशर डाल रहे हैं, और इसी तरह से उन्होंने सोनी मिश्रा जी के मामले में भी किया था। तब सोनी मिश्रा जी ने नरेला के आम आदमी के विधायक के खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत की थी, लेकिन केजरीवाल द्वारा कॉम्प्रोमाइज करने की सलाह के बाद उसने आत्महत्या को मजबूर करना पड़ा, मजबूर होना पड़ा। स्वाति मलिवाल को एक पूर्व पीए जो उत्पीड़न करता है, और विभव कुमार यानी किस हैसियत से जो सीएम हाउस पे रहता है, इसका भी आंसर मुझे लगता है केजरीवाल ने देना पड़ेगा। जो केजरीवाल इंडिया अगेंस्ट करप्शन की बात कर रहा था, आज जो खुद इंडिया अलायंस में है और इंडिया अलायंस की एक लीडर मैं लड़की हूं तो लड़ सकती हूं ये जो बात कहती है, तो ये महिला सांसद के ऊपर इस तरह से उत्पीड़न होने के ऊपर एक ब्र शब्द भी न निकालती वो क्यों, ये आंसर देना चाहिए। 13 मई को जो इंसिडेंस हुआ इसके ऊपर जो बड़ी बड़ी बातें करती हैं, यहां से मुंबई जाके यानी सभा एड्रेस करती हैं, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करता है, यहाँ पे रोड शो में जो जाते हैं, तो केजरीवाल इसके ऊपर एक टिप्पणी क्यों नहीं कर रहा है।